लॉर्ड खुदा उनका शुक्र है कि इस वक्त हम टंडो जाम से यहाँ ख्वाजा स्टाफ पहुँचे हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं साइड में ये हॉस्टल है जो बहुत ज़बरदस्त चलता था एक दौर में, लेकिन आज देखकर बहुत दुख होता है कि ये वीरान है। कभी यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, बच्चे रहते थे, लेकिन आज कैसे लोगों के हाथों में आ गया जिन्होंने इसका पकड़ के सत्यानाश कर दिया है और अब कुछ भी नहीं है, यहाँ वीरान ही वीरान है और इसके अलावा ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है और बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ऐसे कायदीन जो खुदा का नाम और कलाम भी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के इन जगहों की जो है वो सही तरह से संभालते नहीं, जिसकी वजह से ये सब वीरान हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आगे जो है वो नवाज़ाबाद फार्म है, वहाँ पर कलीसिया है, तकरीबन 5-6 फैमिलीज़ हैं, तो मंथली हम वहाँ पर जाते हैं और यहाँ से गुज़रते हैं। और जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि कैसी वीरानी और बर्बादी हुई है। काश के ऐसे खुदा के लोग उठे जो इस गैर आबाद और वीरान खुदा के इन जगहों को आबाद कर सकें और दोबारा से वैसे ही फिर यहाँ की रौनकें आबाद हो सकें और वैसे ही फिर जो विज़न खुदा के खादिम अंकल नथानियल जोस ने रखते हुए इसको बिल्ड किया बनवाया था वो पूरी हो सके और फिर से दोबारा बच्चे यहाँ पढ़ सकें, रह सकें और वो अपनी कौम और अपने ख़ानदानों के लिए वैसे बरकत हो सके। मेरी दुआ है काश के खुदा ऐसा मुमकिन करे। गॉड ब्लेस यू।